देखिए आज के वीडियो में हम व्यतिकरण के जो इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं, और इसके लिए मैं कुमार मित्तल वाली जो बुक है उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनकी बात करता हूँ। तो इसका जो एग्जांपल नंबर 3 है, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे जो सिंपल तरीका वो क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो चीजें गिविन है उनको नोट करते जाइए, अगर कोई फिगर बन सकता है तो फिगर बनाने की कोशिश करो, और जो पूछा है उसको भी नोट कर लो। उसके बाद देखो कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं जो पूछी भी गई हैं, जो दी गई हैं और पूछा गया है, और फिर उस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करें और लगा करके सॉल्व करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 3 है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर दे रखा है λ/6। तो देखिए हमें जो गिवन है एग्जांपल 3 में वो पथांतर गिवन है, मान लीजिए आप पथांतर को x से डिनोट करते हैं या ऐसे लिख देते हैं, चलिए पथांतर आपको λ/6 गिवन है। इसके बाद कह रहा है इस बिंदु पर तीव्रता i तथा अधिकतम तीव्रता i नॉट का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो तीव्रता i और अधिकतम तीव्रता I नॉट के अनुपात को पूछ रहा है, यानी इतने पथांतर वाले बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। ऐसे करके हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, मैंने आपको जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए थे व्यतिकरण में, तो वहां पर एक पॉइंट लिया था कि किसी भी बिंदु पर तीव्रता कैसे निकाली जाती है, और किसी भी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था, वो भी किसके पदों में, अधिकतम तीव्रता के पदों में, और उसका जो फॉर्मूला था वो ये था I = I0 cos² φ/2। ये एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, और मैंने इस फॉर्मूले को पढ़ाते समय आपसे क्लियर कहा था कि इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो तरीके से पूछे जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में ये दे दे कि फाई इतना है, यानी फाई अगर गिवन है तो क्वेश्चन आपका आसान, क्योंकि तो सिंपल हो गया भाई, आप फाई की वैल्यू लगाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब फाई का मतलब होता है कलांतर, कलांतर न दे करके पथांतर देता है, तब आपके सामने दिक्कत आती है। तो पहले क्या करना होगा आपको, एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कलांतर और पथांतर को आपस में लिंक करता है, और वो फॉर्मूला था आपका φ = 2π/λ (x), जहां x को हम पथांतर कहते थे, फाई को हम कलांतर कहते थे, यानी ये फॉर्मूला कलांतर और पथांतर के बीच में एक संबंध को बताता है। तो फिर मैंने ये कहा था जब भी आप इस क्वेश्चन को, इस वाले फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाओ तो दो चीजें हैं आपके पास, अगर कलांतर गिवन है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन कलांतर गिवन नहीं है, पथांतर गिवन है, तो पहले इस फॉर्मूले से कलांतर निकाल लो, और जब कलांतर आ जाए तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो कहीं ना कहीं वही चीजें हैं। देखिए भले हमें तीव्रता नहीं पूछी, लेकिन उसने इस तीव्रता का इस आई नोट के साथ रेशियो पूछ लिया, तो इसको तो मैं इधर ला सकता हूं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुरंत आप फॉर्मूला लिख दोगे, भाई आप जानते हैं I = I0 cos² φ/2, और वास्तव में हमें निकालना I/I0, तो इस आई नोट को अपोन में लिया, तो आप उसे आगे सॉल्व करेंगे I/I0 cos² φ/2। अब लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम यह कि फाई गिवन नहीं है, सिंपल सी वही बात हो गई भाई, आपका जो रिलेशन दिया है आप उससे फाई की वैल्यू निकाल लो, पथांतर तो गिवन है ना, पथांतर हमें गिवन है λ/6, तो इस फॉर्मूले से हम φ = 2π/λ, और ये पथांतर की जगह पर लिख देंगे λ/6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 6, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/3 का मतलब एक तरह से 60 डिग्री, या π/3 रेडियन में रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहां से I/I0 cos² φ की जगह पर लिखोगे π/3/2 है ये, तो ये हो जाएगा π/6, समझ रहे हो बात को, या इसको 60 डिग्री लिख दोगे तो 60 डिग्री / 2 तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ गया आपका cos² π/6, π/6 का मतलब cos 30। अब cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, लेकिन √3/2 का
होली स्क्वायर. इसका मतलब I अपॉन I नॉट को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका होल स्क्वायर बोल देंगे, तो 3 अपॉन 4 रेशियो में लिखो तो 3 रेशियो 4. इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए ये डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन है हर बच्चा नहीं कर पाता है जब तक अगर उसने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है. क्वेश्चन देखने में उसे लगेगा पता नहीं क्या अजीब चीज पूछी है, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने की अगर बात करेंगे, आपने अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट को समझा कि किसी भी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है. अब जब ये फॉर्मूला है तो तुम्हें केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है, फाई. फाई दिया है क्वेश्चन बहुत आसान, फाई नहीं दिया है तो दूसरी चीज देगा पथांतर. तो केवल आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला याद रखना है कि भाई पथांतर और कलांतर को आपस में कैसे लिंक करके हम चेंज कर सकते हैं. आप चेंज करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं. इसी क्रम में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपका यही कुमार मित्तल का ही एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल ये, वो भी एग्जाम्पल है 12. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एक दो बार बोर्ड में. एग्जाम्पल 12 जो है ये क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए. वही तरीका जो जो चीजें गिवन है उनको लिखते चले जाएंगे और फिर कैसे सॉल्व करना है. ये कह रहा है यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश और उसके लिए वेवलेंथ दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं. यानी आप एक प्रकाश ले रहे हो, प्रकाश को उसने बोल दिया येलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, येलो कह दे रेड कह दे, मेन बात है वो वेवलेंथ की वैल्यू आपको देना चाहता है तो आप उस वेवलेंथ की वैल्यू लिख लीजिए. तो हमें लैम्डा दे दिया उसने, लैम्डा दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम और जो पर्दा होता था ना स्क्रीन उस पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनता था, फ्रिंजे बनती थी, उन फ्रिंजों की संख्या की बात कर रहा है. तो ये कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में, अब दृष्टि क्षेत्र का मतलब जहां हम देख रहे हैं, तो देख तो किसको रहे, व्यतिकरण प्रतिरूप को, जो व्यतिकरण की फ्रिंजे बन रही है उनको देख रहे हैं, तो वही तो दृष्टि क्षेत्र हो गया. दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजे दिखाई पड़ती है, कितनी फ्रिंजे बन रही है. अब तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी थी फ्रिंजों के नंबर वाली, लेकिन अब क्वेश्चन आया तो उस चीज को समझना है कि 60 फ्रिंज है, तो मान लो मैं उसको M कह देता हूं, फ्रिंजों की संख्या जो है वो 60 है. जैसे ये होता है ना कि भाई ये ब्राइट फिर ये डार्क फिर ये ब्राइट फिर ये डार्क ऐसे नीचे डार्क ब्राइट, ये लेकिन सब मिलाकर के 60 है, ये सब मिलाकर के कितनी है 60 दे रखी है हमें. फिर आगे क्या बोलता है सर, आगे कह रहा है नीला प्रकाश लैम्डा दे रखा है 4500 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी उसी दृष्टि क्षेत्र में. मान लो दृष्टि क्षेत्र का मतलब ये है कि ये हमारा यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र है जिसमें हमारी फ्रिंजें बन रही है, बात समझ रहे हो. और अब कह रहा है ये प्रकाश पहले जो लिया था, मान लो मैंने इसको लैम्डा वन और तरंगों फ्रिंजों को की संख्या को एन वन मान लिया, अब वो कह रहा है अगर हम प्रकाश बदल दें, पहले प्रकाश पीला प्रकाश ले रहा था इतने वेवलेंथ वाला, अब उसने नीला प्रकाश लिया है और उसके लिए वेवलेंथ दे दिया लैम्डा 2 4500 एंगस्ट्रॉम और अब कह रहा है कि बताओ अब तरंगें कितनी बनेंगी, हमारी फ्रिंजें कितनी बनेंगी, तो N2 क्वेश्चन मार्क. तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा था, तो इसको समझने की कोशिश करिए. देखिए वेवलेंथ बदल देने से होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात को समझने की कोशिश करिए. हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई होती थी जिसको हम बीटा कहते थे, बीटा का फॉर्मूला था डी लैम्डा अपॉन डी. अब वेवलेंथ बदलने से न तो कैपिटल डी बदला न स्मॉल डी बदला, इसका मतलब पर्दा हमारा जितनी दूर पर रखा है वो उतनी दूरी पे ही है, स्लिटों के बीच की दूरी भी उतनी है, केवल वेवलेंथ बदल गया. तो वेवलेंथ बदलने से सीधी सी बात है बीटा भी आपका बदल गया. और आप एक चीज और देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो फ्रिंज चौड़ाई चौड़ी होगी, बीटा का मान ज्यादा आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जब आपने 6000 एंगस्ट्रॉम वाला लिया तो आपकी फ्रिंजें मान लीजिए यही आई इतने क्षेत्र में, ये इतनी चौड़ी चौड़ी आई, लेकिन अब उसने वेवलेंथ को छोटा कर दिया तो अब छोटी फ्रिंजें बनेंगी. यानी अब ऐसे होगा एक फ्रिंज एक ये बनी फिर दूसरी ये तीसरी चौथी पांचवीं छठवीं ऐसे करके, लेकिन जो लेंथ लेनी है वो उतनी ही लेनी है जहां तक हम लेके चलेंगे, लेकिन डेफिनेटली अब फ्रिंजों की संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी. बस आपको ये चीज समझनी है फ्रिंजों की संख्या अब ज्यादा हो गई, एरिया वही है दूरी वही है, जो दृष्टि क्षेत्र है आपका वो उतना ही है सेम है. एक बात बताइए
अगर मैं इस दृष्टि क्षेत्र को कुछ भी मान लू, मान लू मैंने इसको एक्स मान लिया और एक पहले एक इसकी बीटा वन मानी, इसकी एक की चौड़ाई, लेकिन सब सेम चौड़ाई की होती है, और उनकी संख्या को एन वन माना, तो एन वन इंटू बीटा वन किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, इसका मतलब ये जो दूरी थी पूरी वो किसके बराबर होगी? एन वन बीटा वन के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब आप उसको लिख सकते हो एन वन बीटा वन बराबर। अब वो चौड़ाई क्या हो गई है जिसको बीटा क्यों कह रहे हो, अब वो उसके कंपेरिजन में चेंज हो गई, लेकिन अब उनकी जो संख्या होगी वो बदल के बढ़ जाएगी, उसको एन टू मान लिया, लेकिन दूरी तो उतनी है, अब भी उसी दूरी में फैलेंगे, इसका मतलब इसको बराबर लिख दिया एन टू बीटा टू के। तो बात को समझने की कोशिश करिए आप, हमारे पास जो दृष्टि क्षेत्र है वो फिक्स है, पहले उसमें चौड़ी चौड़ी फ्रिंजे बन रही है, अब उसमें छोटी छोटी फ्रिंजे बन रही है, तो फ्रिंजों की संख्या बदल गई और उनकी चौड़ाई बदल गई, तो इसका मतलब एन वन बीटा वन बराबर हो जाएगा एन टू बीटा टू के। बीटा की वैल्यू लगा देना, तो एन वन बीटा वन की जगह पर लिख दोगे डी लैम्डा वन अपॉन डी, और इधर एन टू और बीटा टू की जगह पर लिख दोगे डी लैम्डा टू अपॉन डी, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी यहां चेंज नहीं होते, इसका मतलब इनकी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया एन वन लैम्डा वन बराबर एन टू लैम्डा टू। अब वैल्यू पुट करो और एन टू की वैल्यू को सॉल्व कर दो, तो यहां से आप एन टू निकालोगे तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी एन वन लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। एन वन कितनी फ्रिंजे बन रही थी? 6000 एंगस्ट्रॉम में है, कोई बात नहीं है, ये भी हमारा 4500 एंगस्ट्रॉम में है, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया, यानी कैल्की फोर माइनस टेन जो होता था वो कट गया आपस में। अब दो जीरो से चलो इन दो जीरो को काट दो, 15 से तीन बार ये और 15 चौक 60, 3 से 3 दूनी 6 और 20 चौक 80, यानी अब हमारी फ्रिंजे बनेंगी 80। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया, जिससे कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो जब भी ऐसे कहे कि अगर वेवलेंथ इतनी ले रहे तो इतनी फ्रिंजे और वेवलेंथ इतनी लेंगे तो फिर कितनी फ्रिंजे, आप चाहो तो जो बच्चे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहते वो ऐसे ही रख लो कि एक नया फॉर्मूला आ गया सा एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन उससे तुम्हारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि आए कहां से, इसलिए पूरी बात को समझोगे कि भाई दूरी तो एक्स है, जब चौड़ी चौड़ी फ्रिंजे बन रही है तो बीटा वन इंटू एन वन करके एक्स के बराबर हो जाएगा, जब पतली फ्रिंजे बन रही है छोटी छोटी तो बीटा टू इंटू एन टू करके एक्स के बराबर हो जाएगा, बराबर तो दोनों ही एक्स के होना है, इसलिए हमने यहां से लेकर के चले, और जब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो सॉल्व होकर के आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसी क्रम में मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एग्जाम्पल आपका 15, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल 15 जो है ये क्वेश्चन कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, दो तरंग धैर्यों 6500 एंगस्ट्रॉम और 5200 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंज का उपयोग करके व्युत्क्रम फ्रिंजे प्राप्त की जाती हैं, यानी पहले से ही वो दो तरंग धैर्य यूज कर रहा है, तो चलिए उनको लैम्डा वन और लैम्डा टू मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो 6500 और 5200, यानी आपने लैम्डा वन को लिख दिया 6500 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा टू मान लिया आपने 5200 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों तरंग धैर्यों को लेकर के वो आपको पता ही है क्या सिचुएशन होती है, ये एस होता है, इससे एस वन और एस टू होते हैं, ये स्क्रीन होती है, ये डी और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, और इस पर व्युत्क्रम प्रतिरूप आपका प्राप्त होता है, ये चीज तो माइंड में रहनी चाहिए। आगे कहता है फ्रिंजे प्राप्त की जाती है, फिर कह रहा है नंबर वन तरंग धैर्य 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज, अब पर्दे पे जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है जिसको ओ मानते थे वो हमेशा भाई मैक्सिमम होती है, आप जानते हो हमेशा दीप्त बनती है, ब्राइट फ्रिंज होती है यहां पर, तो उसके लिए उसने नाम लिया केंद्रीय फ्रिंज और ब्रैकेट में लिख दिया उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ही है, तो उच्चिष्ट से
द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान देना क्वेश्चन को, यानी इससे यहां से द्वितीय अदीप्त, अब पहला पॉइंट जो दिया है उसने, पहले पॉइंट में वो कौन से उसकी बात कर रहा है, 5200 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है तरंग दैर्ध्य 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए, यानी वो इस वाले तरंग दैर्ध्य को यूज करने की बात कर रहा है पहले क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है, केंद्रीय से, और वो भी कौन सी, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त का मतलब ज्ञात, तो द्वितीय यानी एन की वैल्यू 2, और कौन सी, वो भी अदीप्त, तो द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से जो दूरी उसकी बने जिसको आप x मानते थे तो आप उसको x2 लिख सकते हो, उसको निकालने की बात कर रहा है, यानी वो x2 को निकालने की बात कर रहा है आपसे। एक ही बात बताई थी मैंने आपको, आप ज्यादा फॉर्मूले याद न रख पाए इस तरह के क्वेश्चनों के लिए, जहां वो ये कहता है कि केंद्रीय से दूसरी अदीप्त, पांचवी अदीप्त, छठवीं अदीप्त, सातवीं अदीप्त, जैसे भी कहे, बस एक ही चीज याद रखो, पथांतर। और पथांतर का फॉर्मूला आपका आता था, पथांतर होता था xd/D, ये पथांतर आपका निकल के आया था जब आपको मैं डेरिवेशन समझा रहा था, ये पथांतर का फॉर्मूला होता है। और फिर मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर क्वेश्चन में दीप्त फ्रिंज कहता है तो इसको रख दो n लैम्ब्डा के बराबर, क्योंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए जब हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया था तो पथांतर n लैम्ब्डा आता था, और अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर आता था 2n-1 लैम्ब्डा / 2। तो कुछ भी नहीं करना, बस यही ध्यान रखना है। तो आप अदीप्त फ्रिंज के लिए कह सकते हो, अदीप्त फ्रिंज के लिए इस पथांतर को, यानी xd/D को 2n-1 लैम्ब्डा / 2 के बराबर रख सकते हो। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ के कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी पथांतर को याद रखो, और जब दीप्त की बात आए तो इसको n लैम्ब्डा के बराबर रखना है, और जब अदीप्त की बात आए तो आप इसको 2n-1 लैम्ब्डा / 2 के बराबर रखना है। ये चीज याद रहेगी, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आपने 2n-1 लैम्ब्डा / 2 के बराबर रख दिया, और x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली है, तो x = 2n-1 d लैम्ब्डा / स्मॉल d, नीचे पहुंचेगा 2 small d। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू आपकी 2, तो 2 × 4 - 1 = 3, और d लैम्ब्डा की वैल्यू 5200 एंगस्ट्रॉम / में 2d। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बार नीचे ये और चेक कर लेते हैं कि कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू दी है कि नहीं दी। अगर दी होगी तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व होकर के आ जाएगा, और अगर नहीं दी होगी तो क्वेश्चन डी और डी के टर्म में ही सॉल्व होकर के आएगा। पर इतना ध्यान रखना, आपने ये 5200 ना एंगस्ट्रॉम में लगाया है, इसलिए अगर आप इसको मीटर में लाना चाहते हो तो (10^-10 m)। अब आंसर आपका मीटर में होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं? और आंसर d/d में हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन दिया है जिसमें इसकी वैल्यू नहीं देता है, तो हम आंसर को इसी के पदों में छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन नीचे तक पढ़ लेते हैं, हो सकता है लास्ट में दे रखा हो, तो मैं आगे क्वेश्चन और पढ़ता हूं। चलिए सेकंड पार्ट में कह रहा है, केंद्रीय उच्छिष्ट से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी। अब केंद्रीय उच्छिष्ट तो यही होता है, से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती होंगी। वो भी बताऊंगा संपाती का क्या मतलब होता है। स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm गिवन है हमें, स्लिटों के बीच की दूरी को कहते हैं स्मॉल डी, जो कि दे रखी है 2 mm, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 2×10^-3 m, और साथ ही साथ दे रखा है स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी 120 cm, यानी कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 120 cm, यानी 120×10^-2 m। तो कोई बात नहीं है भाई, हमें स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन है, उसको यहां पुट करेंगे, तो ये 3 कैपिटल डी की जगह पे 120×10^-2 × 5200, एक काम करूं 5200 में से 2 0 हटा के इसको कम कर दूं तो 10^-1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2, और स्मॉल डी की वैल्यू 2×10^-3। और ये आंसर जो आ रहा है ना हमारा, अब मीटर में आ रहा है आंसर। तो सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका पहले कर दिया करो पावरों का हिसाब किताब। तो पावरों का हिसाब किताब जब आप करोगे तो देखिए ये 3 जब ऊपर आएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, 8 में से 3 गई तो -5,
माइनस पांच जीरो और देख लो भाई कोई जीरो दिख रही है, जैसे एक जीरो ये, अभी ये और माइनस की दो, तो माइनस के पांच तो ये बचे थे, माइनस पांच और माइनस दो माइनस सात और एट ये जीरो है, तो प्लस की एक तो माइनस की छह, तो कुल मिलाकर के हमारा बराबर में टेन की पावर तो माइनस के छह बच रहा है, आंसर मीटर में आएगा। अब बची हुई चीजों का हिसाब करते हैं, दो दूनी चार और चार से चार तिया बारह तीन और तीन त्रिका नौ और नौ का गुणा करना है हमें किसमें 52 में, तो नौ दूनी अठारह की आठ और नौ पंजे पैतालीस और एक छियालीस, ये आपका इतने मीटर आया। लेकिन देखिए एक चीज ध्यान रखना जो कि नाइन्थ क्लास की चीज है लेकिन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो चीजें हमेशा चलती हैं। एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने का तरीका होता है डेसिमल हमेशा वन प्लेस के बाद आना चाहिए, और ये है आपका 468, तो दशमलव यहाँ, तो यहाँ से हम उसको यहाँ लाएंगे तो दो डिस्प्लेस यानी ये हो जाएगा 4.68 और इंटू 10 की पावर, अब दो और कम हो जाएंगी तो माइनस की 4 मीटर। और अगर आप चाहो तो इसे मिलीमीटर में आंसर देना चाहो तो 10 की पावर माइनस 3 को हम मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो माइनस 1 यानी 0.468 मिलीमीटर ऐसे भी बोल सकते हैं अगर मिलीमीटर में आंसर लाना चाहते हो, 0.468 मिलीमीटर ऐसे भी आप आंसर बोल सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मीटर में आंसर दे रहे हो कि मिलीमीटर में दे रहे हो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर, लेकिन जो दूसरा पॉइंट इसका पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चों के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि भाई हमें करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में उसने जो बात पूछी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में बात पूछी उसने, केंद्रीय उस उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहां से उस न्यूनतम दूरी को जानना चाह रहा है वो। मान लो दूरी हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हमने मान लिया वो x ही है कि भाई वो न्यूनतम दूरी x है, लेकिन कौन सी दूरी की बात कर रहा है, वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जहां पर दोनों तरंग धैर्यों से, दोनों तरंग धैर्य कौन कौन सी है, 6500 52 इन दोनों तरंग धैर्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजे संपाती हो। संपाती का मतलब कंसाइड करें आपस में। अब कंसाइड करने का मतलब ये बात समझने की कोशिश करिए आप, कंसाइड करने का मतलब क्या होता है, देखिए कंसाइड करने का मतलब होता है कि डेफिनेटली एक की तरंग दैर्ध्य बड़ी है और एक की तरंग दैर्ध्य छोटी है, इसका मतलब ये हुआ एक फ्रिंज तो चौड़ी बनेगी और एक फ्रिंज पतली बनेगी। इसका मतलब जो चौड़ी वाली फ्रिंज बन रही है मान लो वो ऐसे बन रही है, मान लो ये तीन फ्रिंज बनी चौड़ी वाली, लेकिन जो छोटी वाली बनी वो इसमें बन गई चार इसी दूरी में, इसका मतलब ये संपाती हो गई, मतलब उसी दूरी में। भाई ऐसा भी तो हो सकता था ऊपर नीचे चली जाती, लेकिन वो उसी दूरी को तो जानना चाह रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक की 20 हो और दूसरे की 25 हो सकता है, लेकिन उसने उसके लिए कहा है न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी का मतलब होता है उन फ्रिंजों के बीच में केवल एक का डिफरेंस होना चाहिए, जब एक का डिफरेंस हो जाए और वो संपाती हो जाए वही दूरी न्यूनतम दूरी मानी जाती है, अधिकतम तो फिर कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये कि जिस दूरी में मान लो चौड़ी वाली फ्रिंज तो आ रही है एन, ध्यान देना बेटा चौड़ी वाली का मतलब 6500 एंगस्ट्रॉम वाली जो फ्रिंज बनेंगी, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है और आप जानते हो बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, यानी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो फ्रिंजे चौड़ी होगी। तो न्यूनतम दूरी का मतलब है चौड़ी फ्रिंजे जितनी है छोटी वाली फ्रिंज केवल उससे एक ज्यादा होनी चाहिए वही पर संपाती हो जाए, वो है न्यूनतम दूरी। इसका मतलब अब ऐसे तो हमने वैसे ही मान लिया तीन और चार, ऐसे थोड़ी होता तो कालम जाकर तीन और चार ही होंगी, भाई पांच और छह हो सकती है, डिफरेंस एक का रहेगा अगर न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो। इसलिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि चौड़ी वाली फ्रिंज है वो एन है, तो पतली वाली कितनी हो जाएगी एन प्लस वन एक ज्यादा, यानी पतली वाली हो जाएगी फिर एन प्लस वन, दूरी वही है एक्स। और आप कहेंगे सर अगर हमने ऐसे मान लिया कि ये वाली एन है तो चौड़ी वाली हो जाएगी एन माइनस वन, रखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है आपको, भाई दूरी वही है
एक चौड़ी फ्रिंज है एक पतली फ्रिंज है, तो डेफिनेटली चौड़ी वाली तो कम आएंगी ना और पतली वाली ज्यादा आएंगी। लेकिन न्यूनतम दूरी के लिए डिफरेंस केवल एक का रखना है, इसलिए हमने मान लिया कि वो दूरी जो है एक्स, उसमें चौड़ी वाली जो फ्रिंज आती है 6500 एंगस्ट्रॉम वाली जो फ्रिंज आती है वो एन ए, तो डेफिनेटली फिर उसी दूरी में 5200 वाली जो फ्रिंज आएंगी वो एन प्लस वन होगी। इसका मतलब अब एक फ्रिंज जोड़ आई, मान लो ये बीटा वन है और इस वाली को क्या कहोगे फिर बीटा टू, तो इसी दूरी में एक्स में तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू बीटा वन, लेकिन वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन इंटू बीटा टू। यानी वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल करा रहा था, दूसरा था कौन सा था, वही चीज आ गई संपाति वाली बात में। इसका मतलब उसी दूरी में, बस वहां क्या था वहां फ्रिंजे अलग अलग बात की जा रही थी एन वन इंटू, लेकिन यहां फ्रिंजे क्योंकि संपाति की बात कर रहा है न्यूनतम दूरी में तो केवल एक का डिफरेंस रहेगा, इसलिए चौड़ी वाली की तरफ तो एन वन लिखा और बिना जो छोटी वाली उसकी तरफ एन प्लस वन लिखा और उसी दूरी में फैल रहा है, दूरी एक्स इतनी है। इसका मतलब एक्स वैल्यू एक्स की निकालनी है हमें, लेकिन फिलहाल यहां से आगे बढ़ना है, यहां से एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए एन की वैल्यू निकालते हैं, तो एन और बीटा को क्या लिखोगे डी लैम्डा वन अपॉन डी और एन प्लस वन और डी लैम्डा टू अपॉन डी, ये चीजें कट गई। एन लैम्डा वन कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम, देखिए एंगस्ट्रॉम इधर भी है उधर भी है, भले आप उसको एंगस्ट्रॉम में रहने दें, कैंसिल आउट हो जाती है चीजें और ये आ जाएगा एन प्लस वन और ये कितना है 5200, ये आपका हो गया 5200 एंगस्ट्रॉम। आप यहां से सॉल्व करके पहले एन की वैल्यू निकालो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 13 चौके 52 और 13 5 65 5n = 4n + 4 4n इधर आएगा 5n में से n और n इक्वल टू 4। यानी ये जो बड़ी वाली फ्रिंज थी हमारी 1 2 3 जो हम दिखा रहे थे वो हमारी 4 आई है, इसका मतलब छोटी वाली कितनी होगी 5। लेकिन उसने फ्रिंजों की संख्या नहीं पूछी, उसने तो उस दूरी को पूछा है यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है और उसको तो आपने क्या माना है। अब तुम्हारे पास निकालने के दो तरीके हैं x की वैल्यू, या तो x इक्वल टू n इनटू बीटा 1 से निकाल दो या x इक्वल टू n प्लस 1 इनटू बीटा 2 से निकाल दो, किसी से भी निकाल दो जिससे आपका मन करे। इसका मतलब आप अब x निकालना चाहते हो तो x इक्वल टू n इनटू बीटा 1, अब n इनटू बीटा 1 तो n और बीटा 1 की वैल्यू क्या है d लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल b, n की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू देखिए हमें दे रखी है भाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, तो 120 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 लैम्डा 1 6500 एंगस्ट्रॉम 6500 इनटू 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन में स्मॉल डी हमें दे रखा है कितना 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 और ये आंसर आपका मीटर में आएगा क्योंकि हमने सारी चीजें मीटर में कन्वर्ट कर ली। सॉल्व करने का फिर से वही तरीका, पहले पावरों का हिसाब लगा लो, तो पावरों का जब आप हिसाब लगाओगे तो ये माइनस 3 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 में से 3 गई तो 7 और ये 2 जीरो से ये 2 पावर खत्म कर देते हैं, चलो माइनस की 7 है एक ये जीरो भी खत्म करोगे तो माइनस की 6 बचेंगी, तो पावर बची 10 की पावर माइनस के 6 और कैलकुलेशन तो तुम अपने आप ही देख सकते हो, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। नीचे 2 है भाई, 2 दूनी 4 12 दूनी 24 और 24 गुणा 65, तो कुल मिलाकर के अब आपको 65 गुणा 24 को सॉल्व करना है, 4 5 20 0 24 और 2 26 5 10 6 12 और 1 13 1560, ये आपका आ गया 1560 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और चाहो तो 1 2 3 तो 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर और चाहो तो कह दो 1.56 मिलीमीटर। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये आपको ऐसी चीजें सिखाने वाले थे कि भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हमें सॉल्व ऐसे करना है, तो आप तीनों क्वेश्चनों को एक बार अपने आप करके देखो, समझो उस चीजों को कि सॉल्व कैसे किया जाता है। चलो।